लेकिन ये किधर से रिलीज हो रहे हैं ये देखें यहां हाइपोथैलेमस हमारे पास रिलीज करवाता है टी आर एच टी आर एच इज थरॉइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन मैसेज लेके जाता है पिच्यूट्री ग्लैंड के पास पिच्यूट्री ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज होता है टी एस एच Blood से करता हुआ जाता है gland के पास। उसको ये मैसेज देता है कि वो अपने हारमोन जो कि टी थ्री और कैलसीटोन है उनको रिलीज कराए हारमोन्स को डिस्कस करते हुए पहले हम T3 और T4 डिस्कस करेंगे ये दोनों आयोडीन कंटेनिंग हारमोनस हैं दे एक्ट ऑन द बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय इंक्रीजिंग द ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड रिलीज हीट एंड जनरेट एटीपी। बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर एक्ट करते हैं इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन को रिलीज करते हैं हीट को और जनरेट करते हैं ए टीपी इंक्रीज कोलेस्ट्रोल इन लिवर कोलेस्ट्रोलस इन लिवर को इंक्रीज करते हैं

दे इंक्रीज द डिवेलपमेंट ऑफ मसल्स एंड देअ फंक्शनिंग मसल की डिवेल्पमेंट और उनकी फंक्शनिंग को इनहस करते हैं दे प्रोमोट ग्रोथ एंड मेच्योरेशन ऑफ स्केलेटन स्केलेटन की ग्रोथ भी करवाएंगे और उसको मेच्योर भी करवाएंगे दी प्रोमोट द नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रा हम T3 और T4 से रिलेटेड एनोमेलीज डिस्कस कर लेते हैं पहली एनोमैली इज़ ओवर प्रोडक्शन अगर ओवर प्रोडक्शन होगी तो ग्रेविज डिजीज होगी इट इज़ ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 थ्री एंड टी फोर इट इज़ करैक्टराइज बाय एग्जोफ क्वाइटर एंड इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाता है और एग्जोफ क्वाइटर हो जाता है

अंडर प्रोडक्शन में क्या होगा माएग्जीडीमा इज अ फुल ब्लोन हाइपोथरय सिंड्रोम इन एडल्ट एडल्ट के अंदर फुल ब्लोन हाइपोथरय सिंड्रोम का नाम है मायाग्जीडीमा इट इज करेक्टराइज बाय लो मेटाबॉलिक रेट फीलिंग चिल्ड थिक एंड ड्राई स्किन पफी आईज हेयर लॉस फ्रॉम स्कैप एंड आईब्रोज इडीमा टंग स्वेलिंग कॉन्स्टिपेशन एंड क्वाइटर क्या होता है इसकी वजह से जब अंडर प्रोडक्शन होगी मेटाबॉलिक रेट रो हो जाएगा ठंड लगेगी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है थिक हो जाएगी उसकी लेयर आईज पफी हो जाती हैं, स्कार्प से और आइब्रोज से हेयर लॉस होगा इडीमा होगा टिश्यू स्वेलिंग टंग स्वेलिंग हो जाती है टंग की स्वेलिंग कॉन्स्टिपेशन होगी और ग्वाइटर होगा लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि टी थ्री एंड टी की अंडर प्रोडक्शन इन एडल्टजेज माइग्जीडीमा इन चिल्ड्रन इट कॉजेस क्रेटनिज्म क्रेटेनिज्म अ कॉन्जेनेटल डिजीज एक कॉन्जेनेटल डिजीज है इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन एंड इन एबिलिटी टू ग्रो फिजिकली एंड डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी साइज एक तो मेंटली रिटार्ड होते हैं मेंटली सही नहीं होते बॉडी जो है फिजिकली ग्रो नहीं कर पाती सही से और बॉडी का जो साइज होता है ना वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है वैसे प्रोपोर्शनेट साइज़ है बॉडी का अलहमदिल्ला लेकिन जो क्रेटेनिज्मे बच्चे होंगे उनके अंदर बॉडी का साइज़ प्रोपोर्शनेट नहीं होता बैलेंसड नहीं होते बोन मिच्योरेशन एंड प्यटी आर सीवियरली डिलेड बोन मिच्योरेशन भी और प्यरिटी भी डिलेड होती है को डायग्राम से इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं ये आप सबसे पहले डायग्राम में देखें ये लेरिंग्स है ये थारॉयड ग्लैंड है और ट्रैक किया है तो लेरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है ये इसका फ्रंट व्यू है ये राइट लोब है ये लेफ्ट लोब है और ये इसमस है

कैल्सीटोनिन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू पैराथॉर्मोन पैराथॉर्मोन के एंटागोनिस्टिकली काम करता है इट इज सिक्रीटेड व्हेन देयर इज हाई ब्लड कैल्शियम लेवल जब ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा होता है तब सिक्रीट होता है तो इसका काम क्या होगा ब्लड कैल्शियम लेवल को लो कर देना से दूसरा दे ऑल्सो डिक्रीज एबजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी टिब्यूल अलाउविंग इट्स एक्सक्रीजन इन यूरन कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करवाएगा किडनी टिब्यूल से रीअबॉर्ब नहीं करवाएगा और उसको एक्सक्रीट करवा देगा यूरिन के अंदर

पैराथार्मोन सिक्रीट होता है ड्यूरिंग लो ब्लड कैल्शियम लेवल तो इसका स्टिमुलस है लो ब्लड कैल्शियम लेवल अफकोर्स इसका रिस्पॉन्स क्या होगा टू प्रोड्यूस अ हाई ब्लड कैल्शियम लेवल हाई ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे प्रोड्यूस करता है पहले तो कैल्शियम की एब्जॉर्ब्शन को इंक्रीज करवाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक से दूसरा कैल्शियम की री एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है किडनी से एंड अवॉइड इट्स एक्सक्रीजन इन यूरिन और इसकी एक्सक्रीजन को रोकेगा यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं होने देगा अब हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक डायग्राम देख लेते हैं ये बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड का बैक व्यू या पोस्टीरियर व्यू है पोस्टीरियर व्यू में हम देख रहे हैं हमें ये चार स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं दीज आर पैराथाइरॉयड ग्लैंड हर पैराथाइरॉयड ग्लैंड का काम है कि वो पैराथार्मोन से क्रिएट करें पैराथार्मोन कब रिलीज होता है जब ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत लो होता है

मसल्स वीक हो जाएंगे और किडनी स्टोन्स की डेवलपमेंट हो जाएगी ड्यू टू हाइपरकैलसीमिया नेक्स्ट इज द अंडर सिक्रीजन ऑफ पैराथायरॉइड प्लैंड अंडर सिक्रीजन को कहते हैं हाइपोकैलसीमिया हाइपोकैलसीमिया कॉजेज एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, मस्कुलर टेटनी इफ अनट्रीटेड इट कैन बी फिल्टर अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इट कैन बी डेथली कैन रिजल्ट इन डेथ आई होप today's lecture लेक्चर clear. क्लियर आपको thyroid ग्लैंड और parathyroid gland ग्लैंड की समझ आ गई होगी थैंक यू वेरी मच